dear students in the previous sessions we read part 1 part 2 and part 3 from the chapter Anne allen and in that sessions we read that tilu and his parents live beneath the surface of the planet mars under artificial conditions tilu's father goes to work through the secret passage and the tilu wants to know all about it the big TV screen in the control room shows an alien spacecraft the question whether there is life on other planet exercises everybody's mind the president of the central committee is about to make an important statement he asked the opinion of his colleagues about spacecrafts First, he asked the number one that in charge of defense. Number one suggested that there was no need to destroy those spacecrafts. Today, we will read part four from Anne Allen Hand. Open your books at page number 70. Number two, your opinion, please.

केवल उनकी तरफ पूरी तरह से ध्यान दिया जाए पैसिव ऑब्जर्वेशन रखी दे रखी जाए मतलब देख रेख रखी जाए सिंस वी डोंट डू नॉट नो द पावर ऑफ द सेंडर्स ऑफ दिस स्पेस क्योंकि हमें इन अंतरिक्ष यानों को भेजने वालों की ताकत का पता नहीं है एंड वी आर स्टिल इन द डार्क अबाउट देयर इंटेंशंस और हम उन्हें भेजने के कारणों के बारे में भी उनसे अनजान है इट इज वाइज नॉट टू रिवील आवर एग्जिस्टेंस और अपनी उपस्थिति को उजागर करना भी सही नहीं है द प्रेजिडेंट लुकड एंड नंबर थ्री आ सोशल साइंटिस्ट अब प्रेजिडेंट नंबर तीन जो कि सामाजिक वैज्ञानिक थे उसकी ओर देखते हैं ही रियली एग्रीड विद नंबर टू वो नंबर दो से बहुत कम बातों में सहमत होते हैं बट दिस परंतु ये एक ऐसा समय था जब वो उसकी बात से सहमत हो जाते हैं आई एग्रीड विद नंबर टू सर अब वो क्या बोलते हैं कि मैं नंबर दो की बात से सहमत हूँ इनफैक्ट आई विल गो सो फार एज टू से दैट वी शुड कीप आवर सरफेस एक्टिविटीज टू बी मिनिमम दस क्रिएटिंग द इम्प्रेस दैट देअर नो लाइफ ऑन द प्लेनेट अब वो क्या कहते हैं नंबर तीन कि मैं तो यह भी चाहता हूँ कि सरफेस तह पर जितनी भी गतिविधियाँ हैं उन्हें कम कर दिया जाए क्योंकि इससे हमारे ग्रह पर जीवन के बारे में पता ही नहीं चलेगा कि हमारे ग्रह पर जीवन है फॉर्चुनेटली आवर स्पेस सरफेस कंडीशंस डू गिव दैट इंप्रेशन भाग्यवश जो हमारी सरफेस की जो हमारे स्त्रह की कंडीशन है स्थिति परिस्थिति है वो भी इसी तरह के प्रभाव डालती है कि हमारे पर जीवन नहीं है बिफोर द प्रेजिडेंट पर्सनल टेलीफोन रैंग प्रेजिडेंट कुछ बोलते इससे पहले ही उनका फोन बजने लगा ही द रिसीवर एंड लिसंट

टीलू कंपनी टू द कंट्रोल रूम अब टीलू अपने पिता के साथ कंट्रोल रूम में गया इन हीज एक्साइटमेंट मतलब उसको बहुत ज्यादा उत्सुकता हो रही थी ही प्रेसिस द ऑल इम्पोर्टेंट रेड बटन ऑन द पैनल तो उसने सारे ही लाल बटन दबा दिए एंड द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द एलेंस स्पेसक्राफ्ट स्टॉप्स वर्किंग और अंतरिक्ष शान का जो उपकरणीय हाथ था वो काम करना बंद हो गया द मकैनिकल हैंड इज एक्टिवेटेड अगेन मकैनिकल हैंड जो था दोबारा से एक्टिवेट हो गया दोबारा से काम करना शुरू कर दिया बट इट फाइंडस नो साइन ऑफ लाइफ ऑन दैट प्लैनेट परंतु उस प्लैनेट पर उस ग्रह पर जीवन के कोई भी साइन प्रतीक उन्हें दिखाई नहीं दे रहे थे इट वॉज अट लेटर डे इन टील लाइफ टीलू की लाइफ में ये जीवन बहुत ही ज्यादा अलग था द डे वॉज वेटिंग फॉर जिस दिन का वो इंतजार कर रहा था वो दिन टिलू की जिंदगी में महत्वपूर्ण दिन आ गया था रेड लेटर डे बच्चों महत्वपूर्ण दिन होता है मतलब टीलू की जिंदगी में वो दिन आ गया था जिस बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण दिन था जो आ गया था अब क्या महत्वपूर्ण दिन था फॉर हिज फादर हैड एट लास्ट टेकन हिम टू द कंट्रोल रूम कि उसके पिताजी आखिरकार उसको अपने साथ कंट्रोल रूम में ले गए फ्रॉम देयर ही कुड सी द एलियन स्पेस क्राफ्ट वन हिज टीवी स्क्रीन ऑन हिज टीवी स्क्रीन जहाँ से वो टीवी स्क्रीन पर पर एलियन अंतरिक्षयान को देख सकता था What's a funny looking thing, Daddy? What does it contain? टीलू आस्क अब टीलू पूछता है कि ये क्या फनी फनी मतलब हंसने वाली चीज कि ये क्या हंसने वाली चीज है और ये what does it contains? और इसमें क्या है his father shook his head, head. उसके पिताजी ने उसके सिर को हिलाया से फॉर श्योर कुछ भी विश्वास से नहीं कहा जा सकता वी आर ओनली अलाउड टू ऑब्जर्व इट फ्रॉम फार हमें केवल दूर से ही इसकी देख रेख करने की मिली है। इसको मतलब दूर से ही हम देख से कर सकते हैं दूर से ही देख रेख करने की आज्ञा मिली है बट वी कंट्रोल ऑल इट्स can एंड कैन एक्सरसाइज आवर पावर इफ mischief

ग्रह करती है तो हम इसके सभी पार्ट्स को सभी भागों को कंट्रोल कर सकते हैं टीलू लुकड एट देम वेस्टफुली और टीलू उन सभी को बटनों को उत्सुकता से देखने लगा थैंक यू स्टूडेंट्स